महाराज जी बढ़िया चल रही है? हाँ खूब बढ़िया चल रही है। हमारा कार्य राम जी करेंगे, हनुमान जी करते हैं, हम नहीं करता। आपको वही बुला कर ले आए हुए हैं, हमारे बुलाने से थोड़ी आए हुए हैं। हम कह गए रहे क्या? वही बुला के राम जी बुला कर ले आए हैं। सब वही काज करते हैं, वही सब ले आते हैं। राशन पानी जो घट जाएगा वही ले आएंगे, घटने नहीं दे सकते हैं। कोठार है, कोठार में कमी कभी नहीं होने देंगे। सीताराम दोस्तों अभी हम चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में हैं और पहाड़ों के काफ़ी अंदर आ गए हैं। यहाँ से हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी तो यहाँ पहाड़ों के अंदर खड़ी करके लॉक कर दिए हैं और यहाँ से एक वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाले हैं। काफ़ी सिद्ध महात्मा हैं, काफ़ी बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बरसों से कुटी बनाकर बिल्कुल एकांत में भजन साधना करते आ रहे हैं, तो उनकी कुटिया में आज हम सेवा पहुँचाने वाले हैं। महाराज जी के लिए कुछ राशन सामग्री है और टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए गैस सिलेंडर है, क्योंकि बरसात के सीजन में थोड़ा लकड़ियाँ पहाड़ों में मिलती नहीं हैं। यहाँ से दोस्तों हमें एक नाला पार करना होता है, काफ़ी हरा भरा जंगल है, बस कुटिया तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। इधर देखिए दोस्तों गंगा जी हैं और गंगा जी के किनारे किनारे अभी हम जा रहे हैं। काफ़ी डरावना जंगल है, टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ चलना इतना आसान भी नहीं रहता। देखिए दोस्तों किस तरह के रास्ते हैं। रास्ते में दोस्तों हमें पत्थरों की ये खखरी मिली है, देखिए पत्थरों के ढेर सूचे हुए हैं। काफ़ी खतरनाक जगह में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े बीहड़ घनघोर जंगल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमको एक रास्ता मिली है, पहाड़ों के थोड़ा ऊपर की ओर जा रही है। शायद इसी रास्ते में महाराज जी की कुटिया पड़ेगी। चारों तरफ से सनासन्न जंगल। दोस्तों पहाड़ों से आवाज़ आ रही है महाराज जी की, सीताराम की धुन सुनाई दे रही है। और ये देखिए हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। जो झंडा लगा है यहीं पर महाराज जी की कुटिया है। देखिए दोस्तों किस तरह के रास्ते हैं, नीचे ज़मीन भी दिखाई नहीं देती है। इस तरह से घास फूस उगाई है और ये महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। आप देख सकते हैं तिरपाल पन्नी डालकर महाराज जी रहते हैं और चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। महाराज जी की कुटिया मंदाकिनी नदी के किनारे है। इधर सामने मंदाकिनी जी बहती हुई जा रही हैं और ये महाराज जी की कुटिया में हम आ गए। देखिए दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। दोनों तरफ से महाराज जी एक एक पेड़ लगाए हैं और बीच से रास्ता बना है निकलने के लिए। और ये देखिए महाराज जी का दरवाज़ा, ये दोस्तों महाराज जी का दरवाज़ा है, इस तरह से बंद कर देते हैं। और आश्रम परिसर में हम आ गए। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया। सीताराम महाराज जी, जय जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी अपने बैठका में भजन साधना कर रहे हैं। हाँ देखिए दोस्तों महाराज जी का बैठका है, बांसों का बना है, बांसों का बना है महाराज जी। हाँ बांसों का बना। अच्छा इसी में महाराज जी आराम भी करते हैं? हाँ यही में आराम, रात को यही में आराम कर लेता हूँ। महाराज जी जानवर नहीं परेशान करते हैं? जानवर हमारे पास क्या करने आएगा। इधर महाराज जी छोटा सा बैठका बना है, किसी छोटा सा वो बूढ़ा आ रहे है न। अच्छा उन्ही के लिए बनाए थे तो चले गए, तब से वही पड़ा हुआ है। फिर कोई आता है तो सोतेगा बैठेगा। ये महाराज जी आपकी कुटिया है इधर? हाँ यही कुटिया। भोजन प्रसाद धोना इधर ही है। इधर महाराज जी जो छोटी कुटिया हनुमान जी का है। अच्छा यहाँ हनुमान जी हैं? हाँ देख लो अंदर। दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करा देते हैं। ये दरवाजा है ना महाराज? हाँ वही दरवाजा। ये देखे दोस्तों हनुमान जी महाराज कुटिया के अंदर विराजमान है। ज्योति भी जल रहा है देखो। और महाराज जी दीपक भी एक जल रहा है। महाराज जी दीपक इसी तरह जलता रहता है? हाँ वही तरह जलता रहता है। अच्छा वही लिए तो तेल के जा रहे थे, तेल खत्म हो गया है, खाने वाला भी खत्म हो गया है, जलाने वाला भी खत्म हो गया है। तो कौन से तेल से महाराज जी दीपक? तिल के तेल। अच्छा तिल के तेल से दीपक जलाते हैं। घी उतना कहाँ ले पाएंगे भाई, तिल के तेल ले आता हूँ अपने जलाता हूँ। अच्छा अब महाराज जी भोजन प्रसाद बन गया? भोजन प्रसाद हम सतुआ खाया हुए। महाराज जी आपकी सेवा में एक गैस है। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री थी। बहुत अच्छा। इसमें महाराज जी आपके लिए चावल है। बहुत अच्छा। इसमें महाराज जी आपके लिए आटा है। अच्छा। राम 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 महाराज जी, मूंग की दाल है आपके लिए। में रह दो, बंदर खैर नहीं आता है अभी ये बात। और ये महाराज जी आपके लिए सरसों का तेल है। राम 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 महाराज जी, मसाला है इसमें महाराज जी, आपके लिए नमक है। जो मिल गया उतना ही भी संतोष। भारी धोन हम लोग का क्या है, संतोष। संतोष रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, और संतोष नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो संतोष होना चाहिए। महाराज जी, इतने बीहड़ घनघोर जंगलों में आप एकांत में कैसे रहते हैं? भोजन करना है तो घनघोर जंगल के तो कामे है। साथी रहेगा तो बोलेगा, पतियाएगा, परपंची करेगा। आपने रह लेते, जब बहरेगा तो सीताराम बहरेगा। राम है राम सार है। देखो संसार में राम नाम है और ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। तो वही है, राम राम करते रहो, अपने पड़े रहो। राम का नाम से, उनका शरीर से ज़्यादा महत्व उनका नाम का है। महाराज जी, यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? अरे भोजन प्रसाद आप लोग ले कर देते हैं। भोजन प्रसाद जो राम भरोसे है, वो तो ठाकुर जी कहते हैं जो राम भरोसे है उनका का तो हम पर्वत पर चौं पा सकते हैं। तो भोजन सभी करता है। भाई संसार से अपन हट करके भोजन किया जाता है। वो भोजन जो निश्चिंत में जो भोजन हो जाएगा, वो आज जो साथ में होगा, वो भोजन एक बराबर नहीं होता है। वो बोलत बतियावत में होगा तो वो नहीं सही होगा। आज जो निश्चिंत में चुपचाप होगा, वो एकदम निश्चिंत में भोजन होता है। अब कोई समाज में बैठे हुआ, कोई नाती आ गया, पुता आ गया, सब आ गया, भाई आ गया, भतीजा आ गया, लड़का आ गया, तो क्या करेंगे? वो तो बोलना पड़ेगा, बुलाएगा तो। महाराज जी, इसमें क्या लगा है? तुलसी जी। अच्छा, तुलसी। हाँ। इधर धतूरा महाराज? वो धतूरा है, धतूरा है। ओहर मदार है पीछे। अच्छा, तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। आइए अंदर के दृश्य आपको दिखाता हूँ। और देखिए महाराज जी, बाँसों का प्रवेश द्वार, बाँसों का दरवाज़ा बनाए हैं, और ये लोहे का इसमें बंद करने के लिए लगाए हैं, और दरवाज़ा बाँसों का है। अच्छा, इसमें महाराज जी अपनी सामग्री रखते हैं? हाँ, एक दिन 5 गो रोटी बनाई। अच्छा, भोग लगाने के लिए। हाँ। यही धो के हम चल गए पानी जल बदलने ठाकुर जी के। अच्छा, तो बंदर लगे 5 रोटियाँ भग गए। अच्छा। 5, फिर 4 गो बनाए। हाँ। तो भोग लगाए। देखिए दोस्तों, महाराज जी की घास फूस की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। इधर महाराज जी अपना लकड़ी वगैरह रखते हैं। इधर देखेंगे तो महाराज जी का बिस्तर है, और बगल से ही देखेंगे तो महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद यहाँ पर बनाते हैं, चूल्हा वगैरह है। इधर महाराज जी की सामग्री जो भी है तो रहती है। दीवालों में आप देखेंगे तो ये काले कलर के दिख रहे हैं। आपको बता दें कि महाराज जी की कुटिया में आग लग गई थी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया है। अब महाराज जी, ये कुटिया जो आप देख रहे हैं, तो महाराज जी ने दूसरी बनाई है। ऊपर से तिरपाल वगैरह डाल करके अब यहाँ पर भजन साधना करते हैं। दोस्तों, महाराज जी गैस जला रहे हैं। देखिए, देखते हैं। जल गई महाराज जी। महाराज जी, बढ़िया जल रही है। हाँ, खूब बढ़िया जल रही है। और कुछ भक्त लोग भी संतों की खोज में जंगलों में घूमते घूमते कुटिया तक आ गए। सीताराम भैया। सीताराम भैया, कहाँ से आए हैं? हम गढ़ाव से आए हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये तर्रा बिसंजा के बीच में पड़ता है। अच्छा, जिला बांदा? जिला बांदा। बांदा जिला, उत्तर प्रदेश से। हाँ। तो यहाँ जंगलों में संतों की खोज में आ गए। हाँ, हम यहाँ आते हैं जो तारेनाथ में 30 तारीख को हमारा कीर्तन मंडली आती है, तो हम यहाँ कीर्तन के लिए आते हैं। तो जंगलों में आपको ये कुटिया मालूम थी पहले से? हाँ, हमें मालूम थी, और हम यहाँ पहले भी आए। 1 वर्ष हो गए हमें आते हुए लगातार। तो जब भी आते हैं आप, तो यही महाराज जी मिलते हैं आपको यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर महाराज जी मिलते हैं, और उधर आश्रम में उधर चेतन दास महाराज जी और अन्य संत लोगों भी मिलते हैं। अच्छा, जैसे जंगलों में आप घूम रहे हैं, आप यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम भयभीत कभी नहीं होते। अच्छा, आराम से आ जाते हैं? आराम से आते हैं, ईश्वर की कृपा मानते हैं। और कभी कोई ईश्वर की कृपा होती है तो कुछ नहीं आप मिलता है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया में तिरपाल डाल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी की तिरपाल जो पहले की पड़ी है काफ़ी कमज़ोर है। ये भी छोटी है, लेकिन महाराज जी अब इसी से अपना काम चलाएंगे। ये दोस्तों पहाड़ों में महाराज जी की कुटिया है, और कुटिया के नीचे आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं, और पूजा पाठ के लिए पानी यहीं से ले जाते हैं, और यही पानी पीते भी हैं। काफ़ी मटमैला पानी है। देखिए कितना मटमैला पानी है बरसात की वजह से। और चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों महाराज जी की पुरानी कुटिया यहाँ पर थी इस पेड़ के नीचे। अब महाराज जी थोड़ा बगल में कुटिया बना लिए हैं। पहले महाराज जी यहाँ पर पन्नी तान कर रहते थे, भजन साधना करते थे। तो देखो दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। काफ़ी वृद्ध संत हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।